सो फ्रेंड्स, अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका है और आपका जो अर्निंग्स है वो $100 भी हो चुका है, लेकिन आपका जो अकाउंट है वो अकाउंट अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है और आप सोच रहे हो वेरीफाई करने के लिए, तो इस वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में बात करने वाले कैसे हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं अपना गूगल एडसेंस अकाउंट को। तो गूगल एडसेंस अकाउंट को आप वेरीफाई करने से पहले आपको क्या होता है, गूगल के तरफ से आपको नोटिफिकेशन दिया जाता है मेल के थ्रू, यूट्यूब स्टूडियो में भी आपको नोटिफिकेशन दिया जाता है, साथ ही साथ आपको गूगल एडसेंस अकाउंट में भी नोटिफाई कर दिया जाता है कि आपका गूगल अकाउंट्स को वेरीफाई करना है ताकि जो आपका पेमेंट है वो पेमेंट आपका रिलीज हो। अगर आप गूगल अकाउंट्स वेरीफाई नहीं करते हो तो आपका जो पेमेंट है वो पेमेंट होल्ड कर दिया जाता है और आपका तब तक वो आपका अकाउंट होल्ड पे रहता है जब तक आप वेरीफाई नहीं करते हो। तो वेरीफाई करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, वेरीफाई करने के लिए आपको पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, तो ये जो गवर्नमेंट इशूड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको चाहिए होगा। और यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन करके रखा हुआ है कि आप आधार कार्ड से अपना जो अकाउंट है वो वेरीफाई नहीं कर पाओगे, तो इसी वजह से आप पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आप इसी डॉक्यूमेंट से आप क्या करते हो अपना अकाउंट वेरीफाई कर सकते हो। तो वेरीफाई करते समय आपको ध्यान में रखना जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो वो एकदम क्लियर हो और आप जो भी एड्रेस डाल रहे हो वो एड्रेस एकदम परफेक्ट एड्रेस हो, ताकि जब भी गूगल आपको पिन वेरिफिकेशन करने के लिए आपके पास पिन भेजे तो वो पिन आपके पास आ जाए, ताकि आप क्या कर सकते हो आपका जो पिन वेरिफिकेशन है वो आप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, यही जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है, पूरा वेरिफिकेशन प्रोसेस में अभी अपने लैपटॉप की स्क्रीन में जाऊंगा और वहां पे जाके पूरा प्रोसेस में आपको करके दिखाऊंगा कैसे हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं अपना गूगल एडसेंस अकाउंट। सो फ्रेंड्स, मैं हूं रितेश और आप देख रहे हो मी टॉक्स। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पे मैं अपने मेल पे हूँ और यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ जो नोटिफिकेशन मुझे मिला है गूगल एड्स के तरफ से, वेरीफाई करना है मेरा अकाउंट को। ठीक है, मैं यहाँ से भी वेरीफाई कर सकता हूँ लेकिन मैं यहाँ से नहीं करूँगा। साथ ही साथ मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमारा स्टूडियो है वहाँ पे भी आपको नोटिफिकेशन दे दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट, प्लीज़ साइन इन टू योर एडसेंस अकाउंट टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी, दिस इज रिक्वायर्ड टू रिसीव फ्यूचर पेमेंट एंड कंटिन्यू मोनेटाइजिंग। ठीक है, तो आपको इस तरह से नोटिफिकेशन दे दिया जाता है मेल के थ्रू एंड आपका यूट्यूब स्टूडियो में भी आपको दे दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मेरा अभी तक $9 हुआ है, फिर भी मुझे नोटिफिकेशन दे दिया है कि आपको यहाँ से हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, तो वो वेरीफाई कैसे करना है वो हम यहाँ से सीखने वाले हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जाना है आपको गूगल एडसेंस अकाउंट में। गूगल एडसेंस अकाउंट में आपको लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मेरा गूगल एडसेंस अकाउंट में, मुझे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मेरा गूगल एडसेंस अकाउंट में $4 हुआ है खाली, तो फिर भी मुझे वो दे दिया है और यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल रहा है कि आपको वेरीफाई करना है, मतलब अपना आइडेंटिटी को वेरीफाई करना है। तो आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए आप यहाँ से सीधे एक्शन में क्लिक करके भी आप वेरीफाई कर सकते हो, या फिर आपको यहाँ में से पेमेंट का बटन मिलता है यहाँ से भी आप वेरीफाई कर सकते हो। तो हम वो वेरीफाई करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे वेरीफाई में क्लिक करेंगे। वेरीफाई में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा और जो डिटेल्स आपको फिलअप करना है वो हम क्लियर से बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरा जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे सिर्फ $4 ही हुआ है और यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन आ रहा है जो कि वेरीफाई करना है अभी। तो वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ है वेरीफाई नाउ, आपको वेरीफाई नाउ में क्लिक कर देना है। जब भी आप वेरीफाई नाउ में क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो वेरीफिकेशन फॉर्म है वो सामने खोल के आ जाएगा। तो वेरीफाई में क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक फॉर्म खोल के आ जाएगा और यहाँ पे आपका एड्रेस भी शो होगा, जो भी आपने पहले अगर एड्रेस ऐड करके रखा हुआ है तो आपको यहाँ से एड्रेस दिखाई देगा। और यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है, मतलब यहाँ से आप अपलोड कर सकते हो। जो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे आधार कार्ड आर नॉट एक्सेप्टेड, तो यहाँ में सिर्फ वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एंड इंडियन पासपोर्ट, वही आप डाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको इस एड्रेस पे कुछ भी चेंजेस करना है तो आपको यहाँ पे बटन आ रहा है पेंसिल का, आपको पेंसिल बटन में क्लिक कर देना है और यहाँ में आपका जो भी डिटेल्स है आपको यहाँ पे फिलअप करना है। तो हम क्या करते हैं, एक एक करके हम डिटेल्स यहाँ पे देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने मेरा एड्रेस, नाम एंड आपका जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट मैंने इस तरह से अपलोड कर लिया, जो कि मैंने यहाँ पे ब्लर करके रखा हुआ हूँ। तो सारा कुछ डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर लेने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट लिखा हुआ आ रहा है, सबमिट आपको क्लिक कर देना है। उससे पहले आपको पूरा डिटेल्स जो है पहले से आपको ध्यान से फिलअप करना है। अगर ये आपका वेरीफाई रिजेक्ट हो जाता है तो आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए आपका जो भी डॉक्यूमेंट आप डाल रहे हो, सेम टू सेम जो आपका नाम होगा वही नाम आपको अपना गूगल अकाउंट्स में भी सेम डालना है। फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम आपको ध्यान से डालना है, जो भी आपका एड्रेस है वो आपको ध्यान से डालना है, ताकि आपका पिन वेरिफिकेशन होते समय आपका पिन आपके एड्रेस पे आ जाए। ठीक है, तो मेरा जो डिटेल्स है मैंने यहाँ पे फिलअप कर दिया। उसके बाद सबमिट में आपको क्लिक कर देना है। जब भी सबमिट में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस,
The process may take a few days. We will email you the result. If we are unable to verify your identity, you will need to submit your document again. You have a limited number of attempts. आपको limited number of attempts दिया जाएगा. आपको बार बार ये जो process नहीं करना है. आपको हो सके तो पहले बार में ही आपको verify हो जाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर बार बार इसका rejection होता है तो problem हो जाएगा आपका AdSense account के लिए. तो आप जो भी documents आप डाल रहे हो या फिर जो भी documents आप upload कर रहे हो एंड आपका जो भी एड्रेस आप डाल रहे हो वो सही सही से डालना है, ठीक है. तो वेरिफिकेशन आपका प्रोग्रेस हो जाए उसके बाद आपको गॉट इट में क्लिक कर देना है, तो आपका जो वेरिफिकेशन है वो वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा. तो देखिए यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है कि, तो यहाँ पे लिखा है योर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस, प्लीज़ अलाउ ए फ्यू डेज फॉर वेरिफिकेशन. तो कुछ दिन के बाद आपको अपने मेल के थ्रू या फिर आपका गूगल एडसेंस से तो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा कि आपका जो वेरिफिकेशन सक्सेस हो गया तो सक्सेस लिखा आएगा, या फिर फेल हो गया तो आपको फिर से फिलअप करना है, ठीक है. तो आपको वो नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा. सो फ्रेंड्स, यही प्रोसेस है आपका जो गूगल एडसेंस अकाउंट को वेरिफिकेशन करने का, तो जो कि मैंने आपको अपने वीडियो पे दिखाया है. फिर भी अगर आपको कोई भी क्वारी है या फिर डाउट है तो आप क्या कर सकते हो, मेरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं उसका आपको रिप्लाई करूंगा. और कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन मैं आपको करूंगा. और आप जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हो वो अपलोड क्लियर करना है और डॉक्यूमेंट्स आपको परफेक्ट डालना है, ताकि आपका जो वेरिफिकेशन हो वेरिफिकेशन रिजेक्ट ना हो. तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना है. फ्रेंड्स, वीडियो को देख के अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए. और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ ही बेल आइकन को दबाए, ताकि मेरा फ्यूचर वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलता रहे, क्योंकि मैं इस तरह का रेगुलर वीडियो बनाता रहता हूँ. सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड बाय.